गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड. इकोनॉमी में जब हमने डिफाइन कर लिया कि रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट, इतने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमारी इकोनॉमी में, तो उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करके कैसी यू कैन से प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी मार्केट में डिमांड हो. उस डिमांड को एनालाइज करने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा कस्टमर है, जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कैटेगरी का गुड बना रहे हैं, उस कैटेगरी के गुड के अकॉर्डिंग आपका कौन टारगेट कस्टमर होगा, वो कैसी डिमांड करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, कैसा आप प्रोडक्ट बनाएं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो. तो दैट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी प्रोड्यूसर. इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में वी नीड टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. तो अगर हम डिमांड की बात करें तो सपोजिंगली आई एन एन इंडिविजुअल, मेरे बहुत सारे डिज़ायर्स हो सकती हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फ़ोन लेना है. तो डिपेंडिंग अपॉन हर किसी की इंडिविजुअल की जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरी कहीं ना कहीं वो मेरी डिज़ायर्स हो सकती हैं. बट अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी डिज़ायर है जो इंडिविजुअल की, वो डिज़ायर डिमांड में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब हम ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं कंसिडर करें, तो हमारी जो डिज़ायर है एज एन इंडिविजुअल, वो डिज़ायर हमारी कहीं ना कहीं वो हमारी डिमांड में कन्वर्ट होती है. अगर हम बात करें पहली, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे. कि अगर सपोजिंगली यू आर लाइक कि आपकी डिमांड है कि आप चाहते हैं कि ये आपकी एक डिज़ायर हो सकती है कि मुझे एक आईफोन 15 चाहिए, ठीक है. बट आईफोन 15 हर किसी को चाहिए, बट वो आपकी डिज़ायर हो सकती है. बट वो आपकी डिमांड कब होगी, इंडिविजुअल आपको कहीं ना कहीं अपनी डिमांड में कब कंसिडर करेगा, जब आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि आप उस गुड के लिए, एक फ़ोन के लिए आप इतना लमसम अमाउंट पे कर सकते हैं, तभी वो आपको अपना कहीं ना कहीं आपको कस्टमर कंसिडर करेगा. तो दैट इज़ एक डिज़ायर इंडिविजुअल की डिमांड में तब कन्वर्ट होती है जब आपके पास सफिशेंट एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप उतना अमाउंट पे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए. साथ के साथ आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सपोजिंगली मैं सेल फोन की बात कर रही हूँ, एक फ़ोन के लिए इतना लमसम अमाउंट आप पे करने के लिए विलिंग है. तो जब ये दोनों पॉइंट्स आपके फुलफिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम्स योर डिमांड. तो अगर हम कहें व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड, कि आपकी कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. तो अगर हम बात करें डिमांड में, आप सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ प्राइस. तो इतने प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे आप इतनी कमोडिटीज़ को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है. तो जितना प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी डिमांड करें, दैट इज़ कंसिडर एज डिमांड. तो इट शुड बी बैक्ड बाय योर एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस टू पे, देन इट इज़ कंसिडर एज डिमांड, ठीक है. तो डिमांड अगर हम कहें, तो दिस कुड बी बेटर एक्सप्लेन बाय दिस टेबल, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दीज आर द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड. तो अगर आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो रहा है आपकी कमोडिटी का, तो कस्टमर क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो इट कैन बी इजीली बी सीन विद दिस शेड्यूल कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है. दैट इज व्हाई योर डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस करती है. तो दैट इज कि आपका जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा. तो अगर हम कहें
तो डिमांड रेफर्स टू कि आपकी कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं एज अ कस्टमर पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली डिमांड. नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डिमांड्स. तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ डिमांड्स होती हैं, ठीक है. वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग. फर्स्ट इज आपका मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड. तो जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल, आई, यू एज अ कस्टमर्स आर इंडिविजुअल कस्टमर्स ऑफ योर इकोनॉमी. तो अगर हम हमने जो माइक्रो पढ़ा था, माइक्रो में हम क्या करते हैं, वी आर स्टडिंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ वेरी इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो जब हम इंडिविजुअल्स की डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की डिमांड जैसे कि आप देख सकते हैं, तो द इंडिविजुअल डिमांड इज डिफाइंड एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. तो एक इंडिविजुअल एज अ कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को डिमांड कर सकता है, कितनी सर्विसेज को डिमांड कर सकता है, वो आपकी डिफाइन करती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड. अगर हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो सपोजिंगली वी आर प्रोड्यूसिंग सोप. सोप में भी अगर हम लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज कि हमारा एक प्रोडक्ट है, दैट इज सोप वी आर प्रोड्यूसिंग, जिसमें भी हम सोप में भी हम लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो लक्स की टोटल हमारी मार्केट में कितनी डिमांड है, वो हमें कैसे एनालाइज होगा, जब हम मार्केट डिमांड को स्टडी करेंगे. तो मार्केट डिमांड में भी डिफाइंड एज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मेड बाय अ बंच ऑफ कंज्यूमर्स हु बाय दैट प्रोडक्ट. तो जितने भी आपके जो एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है, उतने टोटल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, दैट इज डिफाइंड एज योर मार्केट डिमांड. तो देयरफॉर अगर हमें किसी भी इकोनॉमी की डिमांड को एनालाइज करना है, तो हम सिंगल इंडिविजुअल डिमांड को एनालाइज नहीं करेंगे. पहले हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिमांड को कंसिडर करेंगे, फिर टोटैलिटी में मार्केट डिमांड को, और फिर कलेक्टिवली अगर हम उसको स्टडी कर पाते हैं, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है. इफ यू टॉक अबाउट ड्राइव डिमांड, तो कोई भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में, आप सिंगल इंडिविजुअली हम उसे डिमांड नहीं कर सकते. अगर आप कार भी परचेज करते हैं, तो कार भी आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते. कार को चलाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं पेट्रोल चाहिए. तो आप अगर सपोजिंगली आपकी इकोनॉमी में कार्स की बहुत डिमांड हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या है, उससे कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि इस इकोनॉमी में पेट्रोल की जो डिमांड है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है. तो डिराइव डिमांड क्या होती है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर्स गुड्स मैन्युफैक्चर आर रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स. जब आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है, वो डिपेंड करती है दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर, तो कहीं ना कहीं दैट इज डिराइव डिमांड. द डिमांड फॉर सिल्क वॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड फॉर सिल्क क्लॉथ. तो कहीं ना कहीं अगर आपकी इकोनॉमी में सिल्क क्लॉथ की डिमांड होगी, जो सिल्क जो कपड़ा है, अगर आपकी इकोनॉमी में उसकी डिमांड है, तो कहीं ना कहीं सिल्क को आपको प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं सिल्क वॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी. तो अगर हम कहें, डायरेक्ट डिमांड फॉर गुड्स कैन बी डिफाइंड व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट. अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज यू कैन से डायरेक्ट डिमांड. और अगर हम डिराइव डिमांड की बात करें, तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है किसी और प्रोडक्ट की, पेट्रोल सपोजिंगली हम बात करें, तो पेट्रोल को इंडिविजुअल्स खाली नहीं परचेज करेगा, बट वो कब परचेज करेगा, जब डिमांड फॉर कार वुड बी इंक्रीजिंग. तो अल्टीमेटली कार, ऑटोमोबाइल व्हीकल इंडस्ट्री जब आपकी डेवलप होगी, तो कहीं ना कहीं आपके पेट्रोल की भी डिमांड इंक्रीज होगी. प्राइस डिमांड, when the price demand refers to number of goods or services an individual is eager to buy at a given price, ke ek particular price pe aapka jo customer hai wo kitna demand kar raha hai. to agar price increase hoga to price quantity demanded reduce hogi, price reduce hoga to quantity demanded increase hogi. to that defines your price demand. income demand ki agar hum baat kare to income bhi kahin na kahin effect karti hai aapki demand ko.
तो इनकम डिमांड रेफर्स टू द ईगरनेस ऑफ अ पर्सन टू बाय अ डेफिनेट क्वांटिटी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि इतनी इनकम है आपकी तो आप इस कमोडिटी को इतना परचेज करेंगे. अगर सपोजिंगली आप 2 liters ऑफ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, अगर आपकी सपोजिंगली 10,000 rupees इनकम है, अगर आपकी इनकम 15,000 होती है तो आप क्या करेंगे, अपनी मिल्क की कंजम्पशन को और बढ़ा सकते हैं. लेकिन सपोजिंगली अगर आपकी इनकम कम होती है, 5,000 हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप अपनी डिमांड को रिड्यूस कर देंगे. तो जब आपकी डिमांड डिपेंड करती है आपकी इनकम पे, तो दैट इज नोन एज इनकम डिमांड. क्रॉस डिमांड होती है, दैट इज इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जब आपकी डिमांड, दैट इज कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे, दैट इज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू इट्स ओन प्राइस बट द प्राइस ऑफ अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, इट इज नोन एज क्रॉस डिमांड. क्लियर है? तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड. द फर्स्ट वन वॉज मार्केट डिमांड और यू कैन से इंडिविजुअल डिमांड. द नेक्स्ट वन वॉज डिराइव्ड डिमांड, देन प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड. नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग द टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि अगर आपका देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, यू कैन से देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, दैट इज प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस, प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज सिट्रस पैराबस. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कोई भी कंज्यूमर जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है, कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है दैट इज नॉर्मल, तो नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा, अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, ये एक नॉर्मल कंज्यूमर बिहेव करेगा, ठीक है. तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आज हम वो सारे फैक्टर्स करेंगे. तो दीज आर दी सर्टन फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिन इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन हम करेंगे. द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. वी एज कंज्यूमर आर वेरी प्राइस सेंसिटिव. अगर हम कहें बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं जो आपकी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है. तो अगर हम कहें द ओन प्राइस, जो कमोडिटी का जो प्राइस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, राइज होगी, एंड व्हेन द प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी. दस वी कैन से देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. यस, हम कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. द नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से एसोसिएटेड गुड्स हैं. तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है. तो हम वन बाय वन करते हैं. तो अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें, तो रिलेटेड गुड्स दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, कि आपका सपोजिंगली टी या कॉफी की बात करें, तो टी अगर महंगी हो गई है तो यू कैन इजिली स्विच टू कॉफी, कॉफी महंगी हो गई थी यू कैन इजिली स्विच टू टी, ठीक है. इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, इफ द प्राइस ऑफ मारुति स्विफ्ट इंक्रीज द डिमांड फॉर i20 विल राइज. तो ये क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, अगर जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हैं वो कहीं ना कहीं एज ए प्रोड्यूसर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे तो कस्टमर इजीली डिमांड को
चेंज कर देगा। बट अगर आपके प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट नहीं है, सपोजिंगली जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल की भी सब्सिट्यूट आपके डीजल है, लेकिन अगर आपकी पेट्रोल कार है तो आपके पास कोई सब्सिट्यूट नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो यू नीड पेट्रोल, तो आपका कोई जब सब्सिट्यूट नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आप क्या करेंगे, जितना भी प्राइस इंक्रीज करें कस्टमर हो सकता है डिमांड को रिड्यूस करे, जितनी उसकी कैपेसिटी है, पर कहीं ना कहीं वो डिमांड करेगा। तो जितने कम सब्सिट्यूट उतना ही कस्टमर प्राइस आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट इजीली नहीं होगी विद द चेंज। बट अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं बहुत इजी फ्लक्चुएशन पॉसिबल है इन द डिमांड। सब्सिट्यूट गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टुगेदरली यूज, ठीक है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल हम दोनों साथ साथ ही यूज करेंगे। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कार की डिमांड भी फॉल होगी। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप साइमल्टेनियसली एक साथ यूज करते हैं, तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो सब्सिट्यूट गुड्स में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। देन वी टॉक अबाउट इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितनी कमाई है उसी हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को जिएंगे। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मली कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा। इनकम कम हो रही है, डिमांड को रिड्यूस करेगा। बट अगर हम इसको वेरिएट करते हैं कि कमोडिटी जैसी कमोडिटी है उसके बेसिस पे, तो अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स जो हम डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स भी आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो आप बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि बासमती राइस है। तो जैसे ही इनका आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो नॉर्मल गुड्स में हमेशा आपका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इन्फीरियर गुड्स में अगर आपका आप सपोजिंगली आपकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है, आप बाजरा या ज्वार खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो यू विल बी स्टॉप कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट एंड यू विल बी शिफ्टिंग टू अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, कि नॉर्मल गुड्स पे आप शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स की जो लो क्वालिटी राइस है उनको कंज्यूम करना खत्म कर देते हैं। तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स है उसमें आपकी जो डिमांड है दैट इज नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ गुड्स होते हैं आपके नेसेसिटी गुड्स, जो आपको डेली यूज में, यू कैन से इन योर डेली लाइफस्टाइल यू रिक्वायर दोज गुड्स, तो उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम उनकी बात करें तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम यू रिक्वायर देम अननेसेसरली, कि उनका प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स यू कैन से। नॉर्मल गुड्स जो आप नॉर्मली डिमांड करते हैं, तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। इन्फीरियर गुड्स जिनकी डिमांड आप, जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी आप इसकी डिमांड को कम कर देंगे। नेसेसिटी गुड्स जो नेसेसरली आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ योर इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम में हाउस होल्ड की जो इनकम है और नॉर्मल गुड की जो कंजम्पशन है उसमें हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इन्फीरियर गुड्स में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो कंज्यूमर का टेस्ट है, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ध्यान में रखकर आप विद टाइम अपने प्रोडक्ट को उसके फेवरेबली चेंज कर रहे हैं, तो फेवरेबल प्रोडक्ट है तो डिमांड इंक्रीज होगी, अनफेवरेबल प्रोडक्ट है तो डिमांड रिड्यूस होगी। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, अगर सपोजिंगली इन फ्यूचर कंज्यूमर को लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा,
तो कस्टमर क्या करेगा, आज उसे डिमांड ना कर कर फ्यूचर में उसे डिमांड कर लेगा जब तक वो उस प्रोडक्ट के बिना रह सकता है, तो उस ड्यूरेशन तक उसे यूज़ ना करने के लिए कोशिश करेगा वो। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज आप उसका स्टॉक बना लेंगे, फ्यूचर में आपको लग रहा है उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है तो आप उसको क्या करेंगे, फॉर टाइमिंग यू स्टॉप यूजिंग इट और तब यूज़ कर लेंगे। इसका गुड एग्जाम्पल है, आप विंटर सीजन ऑफ होता है, यू बाय विंटर क्लोथ्स इन द ऑफ सीजन, तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम में मिल जाएगा, बट अगर आप ऑन सीजन या फ्रेश में परचेज करते हैं तो यू विल बी गेटिंग इट एट अ हाई प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस कब मिलता है आपको, जब आपका प्राइस ऑफ सीजन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपका क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू प्राइस, अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड भी फ्लक्चुएट होती है। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द नेक्स्ट फैक्टर इज रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। और भी अलग फैक्टर्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कि आपका जो पॉपुलेशन का साइज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़ा कम क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर परचेज कर लेगा अगर उसका प्राइस कम है। बट अगर आप एक ऐसी कंट्री में डील कर रहे हैं जहाँ कस्टमर का जो साइज है वो स्मॉल है, बट वो नीश प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता है, तो ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। तो आपको कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है एज अ प्रोड्यूसर, कि आपका जो कंज्यूमर है वो इन सारे फैक्टर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और उसके बेसिस पे ही उसकी डिमांड इफेक्ट होती है। तो दिस इज द ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डिमांड, वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ डिमांड, देन वी हैव डिस्कस्ड द लॉ ऑफ डिमांड, देन आई हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग योर डिमांड। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। If you like my video, please like, subscribe. Thank you.